भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के झांसी खजुराहो मार्ग के सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत जावन पर दुकानों में पर्याप्त डीएपी खाद होने के बावजूद किसानों को न मिलने पर आक्रोशित किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया गया। मौके पर पहुंचकर सकरार थाना प्रभारी सोमेश कुमार एवं उनके पूरे पुलिस बल के द्वारा किसानों को समझाइश दी गई एवं प्रत्येक दुकान पर पुलिस की मौजूदगी में लाइन लगाकर खाद वितरण प्रारंभ करवा दिया गया है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा है, ग्राम सकरा के रहने वाले हैं। हाँ, क्या समस्या हो रही जो आज आप लोग चक्का जाम किया? बोनों को पूरी आ गई है, खाद नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो जान में 50 ट्रक से कम नहीं आया, पूरा एमपी को भेज दिया खाद। ₹1000 हुआ, ₹1900 की बोरी। ये गाड़ी रोका क्यों जा रही है भाई? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम फूलचंद है, मैं यहाँ सकरार का किसान हूँ। काफी दिनों से परेशान हूँ, जमीन बोने को आ गई है और यहाँ खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ 1000-2000 किसान इकट्ठा होके आया है ताकि हम लोगों को खाद दिया जाए, यही मेरी सरकार से वो है शिकायत, और केंद्र से हो चाहे राज्य से, ताकि हम लोगों किसान को खाद दिया जाए, सही टाइम पे फसल उब जाए। नहीं तो हम लोग ये अनाज नहीं उगाएंगे तो किसान किसको, किसान से ही तो सारा भारत की जनता जो कितने करोड़ है जनता, वो किसान से ही अनाज खरीद के खाती है। अगर खाद नहीं मिलेगा तो क्या सरकार देगी या क्या खरीद के रखेगी या किसान किस किस को देगी खाद? कोई शासन से कोई अभी तक सुनने के लिए आपकी बात आया? शिकायत यही तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए या मीडिया के जरिए कि ताकि अधिकारी को यहाँ आना चाहिए, अधिकारियों का ये पद है व्यवस्था के करना चाहिए कि हम लोगों को खाद दिया जाए। ये आया खाद तो यहाँ ये रात में ब्लैक कर रहे हैं और एमपी में सप्लाई कर रहे हैं या नंबर दो से कहाँ बेच रहे हैं, और यहाँ देखो हजारों की संख्या में किसान यहाँ हाँ हम सुबह से खड़े दो तीन दिन से भी परेशान हो यहाँ किसान फिर रहा है। आज इकट्ठा किसान हुआ है, इकट्ठा एक साथ हुआ है और आंदोलन करके मान लो ये कह रहा है सरकार से और मीडिया के जरिए कहना चाहता है कि भाई हम लोगों की समस्या सुनी जाए और किसानों को यहाँ खाद उपस्थित दिया जाए।